तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये टेक्नो के टॉपिक के ऊपर है कि हमारे पास जो टेक्नो को मोबाइल फोन आते हैं उस टेक्नो को मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये अनलॉक टूल के माध्यम से टेक्नो कंपनी के जो मोबाइल फोन आते हैं, तो टेक्नो कंपनी के मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे इसका तरीका जो है ये हम लोग सीखने वाले हैं, जितने भी टेक्नो कंपनी के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, मार्केट में देखा जाए टेक्नो कंपनी के मोबाइल फ़ोन काफ़ी आते हैं और ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं कोई ज़्यादा महंगी खास रेंज के नहीं होते, कि मतलब बहुत हाई फाई रेंज के नहीं होते, बहुत कॉस्टली नहीं होते, बहुत महंगे नहीं होते, नॉर्मल बजट के सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर यदि कोई पासवर्ड लग जाता है, पैटर्न लॉक लग जाता है या FRP लॉक लग जाता है, तो उसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे उसका तरीका हम लोग सीखेंगे। तो अनलॉक टूल के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि उसमें अनलॉक कैसे करेंगे, FRP कैसे हटाएंगे। बस दो ही समस्याएं आती हैं। यदि आपके पास कोई भी टेक्नो का मोबाइल फ़ोन आता है और उस मोबाइल फ़ोन में अनलॉक करना है या कोई पासवर्ड तोड़ना है या उसमें से FRP हटाना, उसका तरीका जो है वो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में आज पूरा सीखने वाले हैं कि टेक्नो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है इसके बारे में। कोई भी टेक्नो कंपनी का हैंडसेट आता है इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा इसका तरीका दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ये अनलॉक टूल के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप ही लोग हैं वो इन सब चीज़ों को सीख सकें, सीखने के बाद काम कर सकें। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट ने हमको ड्राइवर के बारे में मैसेज किया हुआ है कि हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता, हमको कंप्यूटर से कनेक्ट कराने में प्रॉब्लम आती है, ये ड्राइवर संबंधित बहुत सारे इशू आते हैं। तो अभी तो मैं चलिए आपको मैं ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ तो इस सीरीज को पूरा सीख लीजिए और अगर मैं इसमें से दूसरा बीच में टॉपिक अगर ऐड कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आ जाएगी जो टॉपिक चल रहा है फिर हम लोग रास्ते से भटक जाएंगे और इसके बाद फिर मैं आगे मैं आपको ड्राइवर की सीरीज लेकर के आऊँगा कि दुनिया जान का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है वो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि अगर जिसको रिपेयरिंग में मास्टर बनना है तो मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराना पड़ेगा, वो भी सॉफ्टवेयर में। अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन को अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करा लेते हैं तो आप उसको आसानी से उसमें कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो टॉपिक टेक्नो के ऊपर है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर सर हम आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं और बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, यह सभी चीज़ों के बारे में आप सीख करके जाते हैं। अब मैं आप देखेंगे अनलॉक टूल के बारे में मैं कितना मैं आपको डीपली से वीडियो दे रहा हूँ, एक एक करके पार्ट बाई पार्ट मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। हमारे पास जितने सारे बच्चे होते हैं जो सीखने वाले आते हैं उनको मैं इसी तरीके से इससे भी कई गुना ज़्यादा मैं पूरा उनको डिटेल में बताता हूँ, एक एक फंक्शन के बारे में समझाता हूँ कैसे काम करेगा, क्या तरीका होगा, क्या क्या एरर आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो लोग करने में प्रॉब्लम आती नहीं कर पाते वो सभी चीज़ों को मैं सोल्यूशन उनको देता हूँ। तो टेक्नो का मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम लोग आगे अपने वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात, जब आप टेक्नो पर क्लिक करेंगे तो टेक्नो पर क्लिक करने के बाद हमारे टेक्नो के जितने भी सारे मॉडल आते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस से आप लगाओगे डाटा केबल आपके सारे मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं। सारे मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर पर पोर्ट बनाते हैं, ब्रूम मोड का पोर्ट बनाते हैं। टेक्नो के 90% जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर दो ही CPU मोस्टली यूज होते हैं, एक तो उसमें MediaTek का CPU यूज होता है, दूसरा उसमें जो CPU यूज होता है वो तुम्हारा SPD। तो टेक्नो के जितने मॉडल आते हैं उसमें दो ही CPU को मोस्टली ज़्यादातर यूज किया जाता है, एक तो तुम्हारा MediaTek CPU को यूज किया जाता है, दूसरा तुम्हारा SPD CPU को यूज किया जाता है। MediaTek SPD CPU को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका हम लोग आपको बता रहे हैं। जस्ट एक सेकेंड, मैं सिस्टम से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया है। सिस्टम कनेक्ट होने के बाद अगर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ज़्यादातर उसमें MediaTek और SPD दो ही CPU आते हैं,
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी सारे मॉडल आ रहे हैं एक ही ब्रूम मोड का ऑप्शन आता है, टेक्नो S2 लाइट A9 AX, जो भी टेक्नो का मॉडल आते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप एक एक करके आओ, जब आप नीचे स्क्रीन पे आएंगे तो देखिए टेक्नो के सारे मॉडल, स्पार्क, एयर, गो, ये सारे मॉडल तो बहुत अच्छे हैं, जो टेक्नो के काफ़ी सारे मॉडल बिके हुए हैं अगर आप इनको देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ टेक्नो का स्पार्क 6000 या 5 प्रो है, अगर ऐसा कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में यदि आपके मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लग जाता है तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, टेक्नो स्पार्क 5 ईयर आपने मॉडल ले लिया, मॉडल लेने के बाद यदि उसमें पासवर्ड लग जाता है तो पासवर्ड लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक करेंगे तो प्लस माइनस दबा के डाटा केबल लगा देंगे, आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और मोबाइल फ़ोन आपका रीसेट हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा तो रीसेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद मतलब रीसेट हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा और इरेज FRP का ऑप्शन आता है। जैसे आप इरेज FRP पर क्लिक करेंगे प्लस माइनस डाटा केबल लगाएंगे तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में आपकी FRP हट जाएगी। तो टेक्नो के जितने भी मॉडल आते हैं सारे मॉडल को हम लोग यहाँ से, आप उसको चाहे पासवर्ड लगाओ, पैटर्न लॉक लगाओ, FRP लॉक लगाओ, कोई भी लॉक है उसको हटा सकते हैं। टेक्नो स्पार्क 10C, अगर आप देखेंगे इस मॉडल के अंदर क्या लगा हुआ है, SPD CPU लगा हुआ है। अगर इसमें SPD CPU लगा हुआ था आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या क्लिक करेंगे, SPD को ले लिया, उसके बाद फिर आप फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। जैसे फैक्ट्री रीसेट कर देंगे फिर आपका मॉडल चलेगा और मॉडल चलते ही आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। लेकिन ये SPD CPU वाला है, यदि आपके पास उसमें टेक्नो का जो SPD CPU लगा उसमें FRP लगा हुआ है तो आप इरेज FRP भी क्लिक करेंगे। जैसे इरेज FRP भी क्लिक करेंगे तो आपका FRP क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये जितने भी मैंने आपको मेथड बताया कि टेक्नो का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर MediaTek CPU लगा हो या SPD CPU लगा, मोस्टली दो ही मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर कोई भी लॉक लग जाता है या पैटर्न पिन पासवर्ड FRP ऐसा कोई भी लॉक लग जाता है तो उस लॉक को आप लोग आसानी के साथ में तोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया हुआ है कि टेक्नो का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा और उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक एक सारी बातों को नोट करें। नोट करने के साथ साथ जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद वो लोग रिपेयरिंग भी कर रहे हैं और रिपेयरिंग करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सर जरूर मैसेज करें कि आपको क्या काम करने में क्या समस्या आ रही है। तीसरी चीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं कर पा रहे हैं तो सर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस लाइन में बिल्कुल जीरो हैं, इस लाइन में बिल्कुल अननोन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंप्लीट लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कि आप अपने सेटअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना न्यू बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, कैसे काम करने का तरीका क्या है, मोबाइल फ़ोन कैसे रिपेयर होंगे, क्या रिपेयर करने का तरीका है, क्या बिजनेस है, बिजनेस में क्या ग्रोथ है, काम करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई भी ऐसा सवाल आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे काम करना है, रिपेयरिंग कैसे सीखना है, ट्रेनिंग लेने के बाद काम कैसे करना है, आगे बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, या जो लोग कई सालों से काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं आता, वो सिर्फ बैठ करके मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं और किसी दूसरे के पास जा करके पटक देते हैं कि जाओ भैया मोबाइल फ़ोन ठीक करके दे दो। तो उसी तरीके से क्या है, अगर इन सब चीज़ों को वीडियो के माध्यम से हम आपको पहली बार तो काफ़ी चीज़ों को सिखा देंगे, दूसरी बात अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट होना चाहते हैं तो आप आ करके ट्रेनिंग ले सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अच्छे से समझें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो कॉल जरूर करें। अगर आप ट्रेनिंग लेने से संबंधित इंटरेस्टेड हैं तो भी आप कॉल करें और कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है उसको अगर पूछना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। ईटेक की तरफ से आपको हमेशा मदद मिलेगी। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर पड़ता है, कानपुर में जो सागर मार्केट है, सागर मार्केट में ही ट्रेनिंग सेंटर है। ये मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है कानपुर के अंदर, कहते हैं दुनिया जान में आप कहीं भी चले जाओ, आप चाहे बारा देवी चले जाओ, नवस्था चले जाओ, पाका देव चले जाओ या दुनिया जान के अंदर कहीं भी चले जाओ,
लेकिन अगर मोबाइल फोन का काम अगर होता है तो सिर्फ कानपुर के अंदर एक ही जगह पर होता है, वो होता है सागर मार्केट। बाकी दुनिया जान में मोबाइल फोन का सामान लेने के लिए लोग सागर मार्केट आते हैं। यहाँ पर दुनिया जान के आदमी लोग मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आते हैं, टूल्स लेने के लिए आते हैं, मशीन लेने के लिए आते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर जब ट्रेनिंग के लिए आते हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है। मार्केट में सीखने का एक सबसे बड़ा फायदा रहता है कि यहाँ पर सब लोग उसी तरह के लोग आते हैं। अगर आप देखेंगे एक चाय बेचने वाला है तो भी उसके दिमाग में रहता है कि भाई मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम होता है। तो इसी तरह से क्या है कि सर आप यहाँ पर आएंगे तो पहली बात तो आप बेहतर तरीके से ट्रेनिंग हो, अच्छे सीख करके जाएंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी, सामान के बारे में नॉलेज मिलेगी, काम करने का तरीका पता चलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।